भगवानपुर विधानसभा के बल्लूपुरा गांव में जहरीली शराब कांड में आज एसटीआई कमेटी जांच करने पहुंची है। टीम के मौजूद देहरादून विधायक खजान सिंह, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, पुरोल विधायक राजकुमार, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर और झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल तथा आला अधिकारी वहां पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिलकर जानकारी लेंगे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी गांव में इस तरह की शराब बेची जा रही है। एसआईटी जांच कमेटी के अध्यक्ष खजान दास ने बताया है कि आज मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके सभी बारे में जानकारी ली जाएगी और जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो भी आश्रित हैं उनके मुआवजा या जो भी चीज है, भोजन खाना, इससे संबंधित उचित मदद के लिए सभी भरसक प्रयास किए जाएंगे। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि इसमें कहीं भी कोई लचीला कानून है, यदि वो जिम्मेदार है तो समय रहते बड़ी कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो इतनी बड़ी अनहोनी जो हो गई है लगातार होती रहेगी। जाग तुम्हारे दौरों से आनी थी, ये बताओ क्या हो करोगे? उनके मकान पर बलडोजर फिरना चाहिए, हमें तो जीव सीधा सबर आवागा, जीव सीधा कहागा, उन्हें फांसी के हुक्म होने चाहिए जो इन्होंने यू हाल करा। बस हम बताओ हम क्या करेंगे, कोई जिम्मेदार नहीं है। गांव में 20 साल तो बिखरी थी दारू, क्या नाम प्रशासन बिकवा रहा, मैं तो बताऊंगा। जब यहाँ पुलिस वाले आ रहे और मुरगार दारू पी के जा रहे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका, कुछ भी नहीं बिगड़ने का उनका। हम चल रहे शायद वहाँ जो भी कुछ कानून कार्रवाई करनी हम चलेंगे उसके साथ, चलो जान लो चलना और नु क्या होगा। ये भी बैठे हैं क्या तेरे गांव में, क्या हो गया नु खड़ा हो गया इना, क्या नाम नु करे जो भाई पुलिस प्रशासन तेरे बने वो कर दो। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो जल्दी ही मिलेगा, किंतु इनका जैसे पोस्टमार्टम वाली बात चल रही थी, किसी का पोस्टमार्टम हुआ किसी का नहीं हुआ, किंतु उनको ये शीघ्र से शीघ्र मौजा दिया जाएगा। सर इनके रोजगार क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए इस विषय को लेकर के ये अभी समिति की जो बैठक होगी, समिति के जो हमारे मेंबर्स लोग हैं तो आप चर्चा करेंगे, विषय को रखेंगे, उसके बाद कोई निर्णय नहीं। रिपोर्ट कब तक मिलेगा? रिपोर्ट 21 तारीख को हर राउंड में हमको रिपोर्ट देंगे। जिस तरह से ये कांड हुआ बड़ा दुखद घटना है और मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत हृदय विदारक घटना है। आपने देखा कि कितने गरीब परिवार के लोग हैं। जिस दिन विधानसभा का सत्र हमारा शुरू हुआ पहले ही दिन हमने कांग्रेस के साथियों ने जहरीली शराब का मामला 310 में रखा और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सुनने से भी हमने इनकार कर दिया। तभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपना विनिश्चय दिया और ये जांच समिति की घोषणा की, जिसके तहत आज जांच समिति यहाँ गांव में भ्रमण के निरीक्षण के लिए आई हुई है। 21 तारीख को हमें सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और कल अधिकारियों के साथ बैठक है, DM आबकारी अधिकारी सब लोग रहेंगे और 21 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि रिपोर्ट के आधार पर इन परिवारों की अधिक से अधिक मदद किस तरह से हो सकती है इसकी बात रखेंगे। और 22 तक अभी सत्र है, 22 तक सत्र चलेगा हमारा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 में जरूर कोई ना कोई सरकार निर्णय लेगी, इन परिवारों के हित का काम करेगी। लेकिन आपने देखा कि एक नाराजगी जो इन ग्रामीणों में है वो सरकार से ये नाराजगी है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागा, क्यों इन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पकड़े जाते थे और छूट जाते थे और आज तक इन्हें तत्कालिक कोई आर्थिक सहायता जिले लेवल से भी नहीं दी गई, ना सरकार की तरफ से कोई तत्काल मदद की गई। आज लगभग 10 दिन का समय हो गया, 7 तारीख की घटना रात की घटना है, 10 दिन तक ये बच्चे किस तरह से खाना खा रहे हैं इसकी सरकार को कतई चिंता नहीं, कतई परवाह नहीं। हमने यही कहा कि इस तरह की कठोर नीति, कठोर नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे कि जो शराब बेचने का काम करते हैं वो उनके काले कारनामों का चिट्ठा यहीं बंद होना चाहिए। जो केमिकल की बात आई है, जहरीला केमिकल जो शराब में डाला गया वो केमिकल जिनके पास से मिला और जो बेचते हैं उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए, वो लगाएगी।